मैं ललिता चीनी 90 रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और न्यू रेसिपी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज आपको मैं न्यू रेसिपी बनाना बताऊंगी। जो आपने सेके हुए भुट्टे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज उबले हुए भुट्टे की रेसिपी लेके आई हूँ मैं आपके लिए। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं ली हूँ 3 भुट्टे, अमेरिकन भुट्टे आते हैं ना वो ली हूँ, जो उबालने वाले आते हैं वो भुट्टे लेने हैं आपको। अब इसको कट करना शुरू करती हूँ मैं। इसके मुंह को कट करके इसको छील लूंगी। ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे भुट्टे बनके तैयार होते हैं और मिनटों में बन जाने वाले भुट्टे की रेसिपी है। आप एक बार खाओगे तो आप ऐसे करने लग जाओगे, वाह वाह क्या चीज है, कितना आसान तरीके से इतने अच्छे भुट्टे बनके तैयार हो गए। ऐसे करके मैं सभी भुट्टों को छील लेती हूँ। देखिए कितने भरे हुए भुट्टे हैं और एकदम अच्छे वाले और बिल्कुल कच्चे कच्चे भुट्टे हैं। इस भुट्टे खरीदने जाओ आप कभी भी तो इसको दबा के देखना, इसके अंदर थोड़ा सा दूध सा पानी सा दिखाई देता है, वही भुट्टा खरीदना वो, क्योंकि वो कच्चा होता है और एक थोड़ा पक जाता है तो वो पक्का वाला इतना टेस्टी नहीं होता है, तो आपको वही भुट्टा लेना है। अब मैं सभी को छील ली हूँ, अब इसके 2 भाग बना लेती हूँ। तीनों भुट्टों के मैं 2-2 भाग बना लेती हूँ, क्योंकि कुकर के अंदर बॉईल करेंगे तो बॉईल करने के अंदर ये कुकर के अंदर बड़े रह जाएंगे, तो इसको छोटी साइज में कर रही हूँ मैं। लीजिए मैं सभी को छोटी साइज में कर ली हूँ। देखिए कितने कच्चे व कौले भुट्टे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट व नरम भुट्टे हैं। अब मसाला देख लेती हूँ इसके अंदर डालने के लिए। लाल मिर्च पाउडर, सादा नमक, काला नमक, काली मिर्च पाउडर और नींबू, ये मैं ले ली हूँ। अब गैस पे कुकर से डाके कुकर के अंदर पानी डाल के और इसके अंदर आधी चम्मच नमक ऐड कर देती हूँ। अब इसके अंदर जो भुट्टे में कट करके रखी थी वो भुट्टे में इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसको थोड़ा सा घुमा दूंगी क्योंकि इस चारों तरफ नमक चिपक जाए इसके। अब कुकर को बंद कर दूंगी मैं, बॉईल करने के लिए कुकर को बंद कर दूंगी। इसके अंदर 2-3 सीटी में बिल्कुल बॉईल होके तैयार हो जाएंगे भुट्टे। देखिए आप पहली सीटी आ गई है। दूसरी सीटी आ गई है। 2 सीटी ले ली हूं मैं। और देखिए आप पूरे भुट्टे उबल के तैयार हो गए। इसको मकई भुट्टे बोलते हैं, मक्का के भुट्टे, और इसको कई जगह भुट्टे छल्ले बोलते हैं इसको। देखिए वाव कितने अच्छे कितने टेस्टी मक्का के भुट्टे बन के तैयार हो गए, जो आप मार्केट के अंदर 30-40 रुपए का मिलता है ये मक्के के भुट्टे। मार्केट में खाने जाओ इससे अच्छा है तो घर पे बना के खाइए और सभी पूरी फैमिली एंजॉय के साथ खाइए और आपकी फैमिली वाह वाह करने लग जाएगी। अब मैं मसाले को मिक्स कर लेती हूँ। जो मैं सादा नमक ली थी वो तो मैं उबालने के अंदर डाल दी थी और बाकी बचा मसाला उसको मिक्स कर लेती हूँ मैं अच्छी तरह से। मसाला मिक्स हो गया है और आप देखिए भुट्टे उबल के तैयार हो गए। अभी एक एक करके मैं सभी को रख दूंगी और अब इसके अंदर नींबू लगा के और फिर मसाला लगाएंगे। वाव कितने अच्छे कितने टेस्टी मार्केट स्टाइल में घर पे ही बन के तैयार हो गए। और मार्केट में खाने जाओगे तो बहुत महंगे होंगे और सुबह के उबले हुए शाम तक बेचते रहते हैं मार्केट में, और यहाँ पे ताज़ा भुट्टे बना के खाइए। अब मैं एक एक करके सभी भुट्टों के नींबू लगा देती हूँ। पहले कई महिला नींबू के मसाला लगा के फिर लगाते हैं, मैं पहले नींबू लगाऊंगी फिर बाद में मसाला लगाऊंगी। मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ भुट्टे के, पहले नींबू लगाती हूँ और उसके बाद में मसाला लगाती हूँ इसके ऊपर, मकाई के भुट्टे मसाले वाले। सभी के नींबू लगा ली हूँ, अब इनके सभी के मसाला लगा लेती हूँ जो मैं मसाला तैयार की थी।
वो मसाला लगा लूंगी मैं। सभी के और इतनी टेस्टी इतने लाजवाब बनते हैं कि मुंह में जाते ही एकदम आप तो ऐसे करने लग जाओ वाह वाह क्या मकाई बना के तैयार की हो, मकाई के भुट्टे। छल्ली भी बोलते हैं इसको, कई जगह भुट्टे बोलते हैं। ये अमेरिकन मक्का है, इससे पॉपकॉर्न भी बनते हैं। ये कच्ची मक्का है, पकी हुई मक्का होती है उससे पॉपकॉर्न बनता है। वाव कितने अच्छे कितने टेस्टी लाजवाब मक्का के भुट्टे बनके तैयार हो गए। आप तो खाने वाले के दिल ही जीत जाओगे, एक बार बना के ट्राई कीजिए आप और घर के बच्चे बड़ों सभी को खिलाइए बना के। बहुत अच्छे टेस्टी मकाई के भुट्टे बनके तैयार होते हैं। मार्केट में खाने से अच्छा घर पे बना के खाइए तो बहुत अच्छा लगता है। नव्या रसोई के अंदर आपको मेरी पुट्ठे बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।